नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बच्चों के लिए पौधों का महत्व। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हमने लिया है, हम देखेंगे। तो जानते हैं सबसे पहले कि बच्चों के लिए पौधों का कैसे कैसे महत्व होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम पौधों की इम्पोर्टेंस को देख लेते हैं कि पौधे किस तरह से जरूरी होते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि पौधे जो होते हैं वो मानव के लिए, जंतु के लिए, सभी के लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमें ऑक्सीजन तो देते ही हैं जो हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके अलावा ये हमें खाद्य पदार्थ भी देते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे जीने के लिए, हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए। ठीक है, और अगर हम बच्चों के लिए पौधों के महत्व की बात करें तो बच्चे क्या होते हैं, बचपन से ही पेड़ पौधों को अपने आसपास देखते रहते हैं, है ना। तो पेड़ पौधों के प्रति उनकी रुचि भी होती है, वो जानना चाहते हैं कि ये किस तरीके से बड़े होते हैं, किस तरीके से एक छोटा सा बीज होता है वो इतना बड़ा हो जाता है, है ना। तो हम उसमें उनका इंटरेस्ट जगा सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, उनको बच्चों को बताना चाहिए कि पौधे का विकास कैसा होता है और पौधे की वृद्धि कैसी होती है, है ना। तो ये सारी चीज़ हमें बच्चों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और पौधों की इम्पोर्टेंस क्या होती है हमें ज़रूर बताना चाहिए, ताकि भविष्य में कभी वो जाने कि पौधों को हमें क्यों नहीं काटना चाहिए। ठीक है, तो ये है बच्चों के लिए पौधों का महत्व। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आगे भी आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो साइड की बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।